अमरेली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के कार्यक्रम में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक शख्स ने उनकी ओर चूड़ियां फेंक दी। चूड़ियां फेंकने वाले केतन कासवाला ने खुद को किसान बताया और बीजेपी सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया, क्योंकि केतन कासवाला केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से काफी दूर था, इसीलिए चूड़ियां उन तक नहीं पहुंचे। इस पूरी घटना के लिए स्मृति ईरानी ने कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि क्योंकि गुजरात में विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं और इसीलिए विपक्षियों से ऐसी ही घटनाओं की उम्मीद है, लेकिन महिला पर हमले के लिए कांग्रेस ने आदमी को भेजा, ये रणनीति ठीक नहीं है। मेरे ऊपर मैंने इसीलिए कहा मंच से भी कि चुनाव गुजरात में आ रहा है, इसीलिए इस प्रकार के कर्तव्यों की मुझे अपेक्षा है। और एक पुरुष को भेजा है महिला पर आक्रमण करने के लिए, मुझे लगता है कांग्रेस की वो स्ट्रैटेजी थोड़ी गलत है, लेकिन अगर फिर भी पुरुषों को मुझ पर अटैक करने के लिए भेजना चाहते हैं मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जहाँ तक मुद्दों की बात है तो मुद्दों पर हमेशा बहुत ही सादगी के साथ चर्चा हो सकती है। हालांकि पुलिस ने चूड़ी फेंकने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मोदी सरकार के 3 साल की उपलब्धियां गिनवाने के लिए अमरेली पहुंची थी। ब्यूरो रिपोर्ट, APR।